हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना शिव मंडल और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल नॉलेज। और इसमें आज हम बात करेंगे इनविंस की तरफ से आया एक नया आशा हॉट 9 प्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, करते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स और करते हैं कुछ ज्ञान भरी सी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली गाइस, हो गया है अनबॉक्स। बॉक्स में मिलता है हमें बड़ा ही प्यारा सा ब्लू कलर का इन्फिनिक्स की तरफ से हॉट 9 प्रो। और चलिए इसको साइड करते हैं। और इन्फिनिक्स की तरफ से आता है कुछ पावर एडाप्टर और लाइटनिंग केबल, और साथ ही आता है एक्स क्लब की तरफ से एक यूजर गाइड, साथ ही मिलता है एक यूजर गाइड, यूजर मैनुअल। ये सब तो बेकार की चीज़ें होती हैं, मैं तो आज तक कभी पढ़ी नहीं है। तो गाइस, किसने पढ़ी है वो ज़रूर बताना। साथ ही देखने को मिलता है एक सिम इंजेक्टर टूल, जो कि बड़े ही शानदार से डिज़ाइन किया गया है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और साथ ही मिलता है एक प्रोटेक्शन केस। साथ ही देखने को मिलता है एक गार्ड, स्क्रीन गार्ड, जो कि आपके स्क्रीन को प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्ट तो क्या, एक स्क्रैचेस से बचाएगा। और सबको करते हैं साइड। सो गाइस, हटा देता हूँ इस स्टिकर को और फिर जल्दी से करते हैं इसको बूट। तो गाइस, हो गया है ये बूट। सो गाइस, बात करें इसके कुछ डिजाइन की, तो बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है इस बार। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो इन्फिनिक्स ने इस बार इसमें यूज किया है 6.6 इंच की फुल व्यू HD प्लस डिस्प्ले की। साथ ही इस बार यूज किया गया है इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, जो कि देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत ही अच्छी और शानदार सी फोटो खींचता है आपकी। सो बात करते हैं इसमें लगे फिंगरप्रिंट स्कैनर की। फास्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक एवरेज ही है। सो गाइस, बात करें इसके रियर कैमरे की, आता है क्वाड कैमरा, और जिसमें यूज किया गया है बड़ा ही अट्रैक्टिव करने वाला 48 मेगापिक्सल का कैमरा। और साथ ही आता है क्वाड LED फ्लैश के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन फोटो खींचने में मदद करता है, क्वालिटी उसकी बढ़ा देता है, नाइट मोड भी बहुत अच्छा आता है। और देखिए, मैंने कुछ सैंपल्स रख रखे हैं आपकी स्क्रीन पर, तो बताना कमेंट बॉक्स में जरूर कि कैसे लगे फोटोज। तो गाइस, अब फोन के डाउन साइड में देखे तो एक आता है स्पीकर, और साथ ही आता है एक USB पोर्ट और माइक। साथ ही देखने को मिलता है 3.5mm का हेडफोन जैक, जिससे आप बहुत बेहतरीन म्यूजिक का एक्सपीरियंस करेंगे। सो बात करें इसमें लगे सिम ट्रे की, तो ये आता है एक डेडिकेटेड सिम ट्रे, और इसमें आप डुअल 4G का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और साथ ही आप इसमें लगा सकते हैं माइक्रो SD कार्ड, जो कि एक्सपेंडेबल है 256GB तक का, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके राइट साइड में देखें तो मिल जाता है एक पावर अनलॉक बटन, और साथ ही मिलता है एक वॉल्यूम एडजस्टिंग बटन। बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो ये आता है 4GB प्लस 64GB रैम। बात करें इसके कैमरे की, तो 8 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के डेप्थ कैमरे हैं। और बात करें इसके CPU की, तो ये काम करता है 2 GHz पर। बात करें इसके बैटरी की, 5000 mAh की बैटरी, जो कि इस फोन के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। तो गाइस, फाइनली बात करें इसके प्रोसेसर की, जिसे फोन का इंजन भी कहा जाता है। ये काम करता है MediaTek Helio P22 पर, जो कि Android 10 के साथ आता है। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इन्फिनिक्स ने इस बार इसे लॉन्च किया है अंडर 10,000 में, और साथ ही दिया है बहुत अच्छे बेस्ट कमाल के फीचर्स और बहुत कुछ। तो गाइस, हो सकता है ये आपके लिए फ्यूचर वाला फोन, तो गाइस बिल्कुल भी ना सोचें और कर लीजिए इसको परचेज। बात करते हैं अपने चैनल के प्रमोशन की, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक्निकल नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप नया अपडेट बिल्कुल भी मिस ना करें। तो गाइस, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और नीचे दिख रहे स्तंभ को दबा दबा कर नीला कर दीजिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूँ अलविदा और प्रॉमिस करता हूँ जल्दी आऊँगा नई अनबॉक्सिंग के साथ। तो गाइस, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।